प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद को किया गया सुपुर्द खाक। दादा की कब्र के पास असद को दफनाया गया। कब्रिस्तान में करीबी लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से रखी गई है नजर। कब्रिस्तान के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कब्रिस्तान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। अतीक और अशरफ से आज फिर पुलिस की पूछताछ जारी। धूमनगंज थाने में हो रहे सवाल जवाब। प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ के मददगारों पर शिकंजा। अतीक का गुर्गा असाद कालिया और उसका भाई फैजान गिरफ्तार। असाद पर घोषित है 25,000 का इनाम। माफिया अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम पर 25,000 का इनाम घोषित। बरेली जेल में अशरफ से कराई गई थी गैर कानूनी ढंग लोगों से मुलाकात। सद्दाम और लल्ला गद्दी ने कई शूटर्स की कराई थी एंट्री। अतीक के बाद यूपी के एक और माफिया घराने की बारी। मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में आज गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला। आज सपा की आ सकते हैं कॉलेज। सपा ऑफिस में आज भी अखिलेश का मंथन। सपा अपना दल के गठबंधन की दरार और बढ़ी। बस्ती के 9 नगर पंचायतों और 1 नगर पालिका में अध्यक्ष और सभासद पद पर चुनाव। आम आदमी पार्टी ने नगर पंचायत प्रत्याशी घोषित किया। लुधियाना से आ रहे थे कार सवार। टायर फट जाने से हुआ हादसा। सभी घायलों को एम्बुलेंस से भेजा गया स्थानीय अस्पताल। नवीन मॉडर्न के परसोना के पास की घटना। जौनपुर में कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मचा। व्यापारी का लाखों का नुकसान हुआ। गाजीपुर में लापता युवक का नहर के पास मिला शव। 7 महीने पहले परिजनों ने नाराज होकर घर से निकाला था युवक को और परिजनों ने जलाई थी बेटे की हत्या की आशंका और बिरनो इलाके का मामला। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मत्स ने सीएम भूपेश बघेल के लड़की की शादी वाले बयान पर किया पलटवार। कहा संवैधानिक पद पर रहकर ऐसी बात करना भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य। सीएम के परे जाकर भूपेश बघेल ने दिया है बयान। रामपुर नगर पालिका की सीट महिला आरक्षित होने पर कांग्रेस नेता ने 45 घंटे में खोज ली दुल्हनिया। नामांकन से 2 दिन पहले आज होगा नेताजी का निकाह। धारचूला में टनकपुर तवाघाट एनएच चौड़ीकरण के दौरान बढ़ती जा रही लापरवाही। हिलवेश पर विधायक ने लगाए लापरवाही के आरोप। निजी कंपनी पर विधायक ने लगाए हैं अनियमितता के आरोप। इस साल बारिश कम होने से जंगलों में आग लगने की आशंका ज्यादा। ऐसे में वन विभाग ने मास्टर कंट्रोल रूम तैयार किया। मास्टर कंट्रोल रूम में 24 घंटे वन अधिकारी और कर्मचारियों की पैनी नजर। नैनीताल सिंचाई विभाग ने जल संचय को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया है। गर्मियों में पानी की कमी और डिमांड बढ़ने को लेकर सिंचाई विभाग ने बनाया है ये प्लान। इसके तहत 4 करोड़ लीटर पानी रोजाना संचय किया जाएगा। उत्तरकाशी में बैसाखी पर मेले का आगाज हुआ। रिबन कटकर पर्यटकों के लिए खोला गया नचिकेता ताल और सुख समृद्धि के लिए सभी ग्रामीण देव डोलियों के साथ पहुंचते हैं नचिकेता ताल। तुर्की के भगवानपुर में फैक्ट्री से जहरीला केमिकल निकालने से किसान की कई बीघा जमीन बंजर हो गई है। तेजाब युक्त केमिकल आने से पिछले 5 साल से खेत में नहीं हो पा रही है पैदावार। किसान परेशान। एटा में भूमाफिया ने शीतलपुर ग्राम सभा की बारिश के बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया। वह तरीके से मकान बनाकर लोगों को बेचे करीब 50 करोड़ रुपए का घोटाला किया। औरैया जिले में धूप फांक रहा। करोड़ों की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर। बर्न हॉस्पिटल और ब्लड बैंक भी आज तक नहीं हो सका है शुरू। ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग हो चुकी है जर्जर। ग्रेटर नोएडा में भीमराव अंबेडकर की झांकी के दौरान 2 गुट भिड़े। मारपीट के साथ पत्थरबाजी हुई 12 लोग घायल। सिद्दीपुर गांव की घटना। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सीतापुर के जिला जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत। नाराज बंदियों ने जेल में की भूख हड़ताल। मृतक कैदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर मारपीट का लगाया आरोप। सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा मौत मामले में अनुराधा सिंह पूछताछ के लिए तलब। आकांक्षा की मां ने जल्दबाजी में शव जलवाने का आरोप लगाया। अंतिम संस्कार के समय आकांक्षा का फोन अपने पास रखने और डेटा डिलीट करने का आरोप। लखनऊ में प्रेमिका पर शादी का दबाव बनाने वाले युवक की पीट पीट कर हत्या। लड़की के परिजनों पर लगा आरोप। डेबरिया गांव का मामला। पीलीभीत में भाजपा का जिला मीडिया प्रभारी सहित 2 लोग शराब तस्करी में गिरफ्तार। चुनाव में बांटने के लिए लाई गई थी शराब। दूसरे राज्यों से अवैध शराब लाकर करता था सप्लाई। बरेली में भोजपुरी एक्टर के फर्जी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का भंडाफोड़। वीके यादव समेत 2 लोग गिरफ्तार। इंस्टीट्यूट में करीब 500 छात्र छात्राएं कर रहे थे कोर्स। ललितपुर में निकाय चुनाव को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन का दौरा। पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। कानून व्यवस्था का और आदर्श आचार संहिता का पालन कराने से जुड़े हैं निर्देश दिए।
एसएसबी डीजी का महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के सनौली बॉर्डर का दौरा। नीमैंस लैंड पर सीमा चौकी का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए। बस्ती की 9 नगर पंचायतों और 1 नगर पालिका में अध्यक्ष और सभासद पद पर चुनाव। आम आदमी पार्टी ने नगर पंचायत प्रत्याशी घोषित किए। नगर पंचायत कप्तानगंज बनकटी गायघाट नगर बाजार मुंडेरवा प्रत्याशियों के नाम घोषित। मुंडेरवा से मनोज जायसवाल, बनकटी से किरण कनौजिया को टिकट। आम आदमी ने बस्ती के नगर बाजार पंचायत से सुनीता मिश्रा, कप्तानगंज से राम सज्जन, गायघाट से नकुल कुमार को दिया है टिकट। फतेहपुर में अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा। असलाह बनाने के उपकरण सहित असलहों का जखीरा बरामद। गिरफ्त में मास्टरमाइंड। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।